बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। ग्लोबल स्पीक्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बिज़नेस करते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट के लिए बारकोड और क्यूआर कोड जो है वो बनवाते हैं, तो जिसके लिए आपको लाखों रुपया जो है वो लोगों को देना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के अंदर, अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है, यूज़ करना आता है, तो एक्सेल के अंदर मैं आपको क्यूआर कोड और बारकोड स्टिकर जो बनाते हैं उसका मुकम्मल तरीका आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से बन जाता है, ये हर कोई कर सकता है। और आप अपने नाम, किसी भी नाम से जो है वो बारकोड स्टिकर वगैरह बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से हम छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह के मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। फ्रेंड्स, हम बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा फार्मूला लगना है और जिसके लगाने के बाद जो है आप ये अपने बारकोड स्टिकर और क्यूआर कोड स्टिकर जो है बड़ी आसानी से एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। तो अभी हम आपको एक्सेल के अंदर इसका पूरा फार्मूला लगाकर दिखाते हैं कि किस तरह आप अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, अपने लाखों रुपए बचाने के लिए क्यूआर कोड और बारकोड स्टिकर किस तरह बना सकते हैं। तो अब हम ओपन करते हैं अपनी एक्सेल की शीट को। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल की शीट के अंदर, और जहां पर हम कुछ डिजिट या कुछ नाम वगैरह लिख लेते हैं कि जिनके तहत जो है हम अपना बारकोड स्टिकर और जो है क्यूआर कोड जो है वो किस तरह बनाना है, उसके लिए हमें उस नाम की ज़रूरत होगी। आप अपनी प्रोडक्ट का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए हम कुछ रैंडम फिगर जो है यहाँ पर और आप कुछ नाम वगैरह लिख लेते हैं। और उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इस फार्मूले को प्लीज जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले का ही सारा कमाल है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हैश का बटन दबाना है। हैश के बटन के बाद आपने सेमी कॉलन का साइन लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और उसके बाद जो है आपने दोबारा से जो है सेमी कॉलन की जो है उसको बंद करना है, और उसके बाद एंड का साइन आपके लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर होगा, तो एंड का साइन लगाना है। उसके बाद जो पहले वाली जो लाइन है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद दोबारा से हमने एंड का साइन जो है वो लगाना है, उसके बाद हमने इस कॉलम को बंद करना है, ब्रैकेट बंद करनी है, और दोबारा से कॉलम को हमने इसको सेमी कॉलन को लगा कर बंद करना है, एंटर करना है, तो सेम ही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अभी इसका फंक्शन जो है आपको पता चलेगा कि ये आगे किस तरह फंक्शन करेगी। अब हम क्या करते हैं कि इस पहली लाइन को कॉपी करके नीचे ले आते हैं, ताकि ये फार्मूला जो है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर भी लग जाए, ताकि हमें आसानी से जो है वो बारकोड बनाने में जो है वो आसानी हो जाए। यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी सेटिंग कर लेते हैं। अब जो है हमने जिसका बारकोड बनाना है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमने ऊपर जो फॉन्ट वाला स्टाइल वाला साइज़ है वहाँ पर आना है, ठीक है। वहाँ पर आने के बाद हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बारकोड की देखिए ऑप्शन है, ये बारकोड हमने उस पर क्लिक किया तो ये बारकोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है। ये किस तरह आपने बनाना है, जो बारकोड वाले ऑप्शन किस तरह आपके पास आएगी, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपके एक्सेल के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास बारकोड जनरेट हो चुका है। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा वाजह नजर आए। आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमने इधर लिखी हैं वही चीज़ें जो हैं हमारे बारकोड के नीचे शो हो रही हैं। इस तरह फ्रेंड्स आप अपना बारकोड जो है बना सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट शीट के अंदर जो है वो क्यूआर कोड बनाने का तरीका बताते हैं कि आप अपना क्यूआर कोड जो है वो किस तरह बना सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है एक नई शीट ओपन करेंगे।
फ्रेंड यहाँ पर हमने अपनी नई एक शीट ओपन कर ली है और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो देखने में आसानी हो। इसी का बारकोड का भी बनाने क्यूआर कोड बनाने का भी तरीका सेम ही वही फार्मूला लगना है, लेकिन यहाँ पे तरीका वो भी हम आपको बताते हैं कि किस तरह करना है। यहाँ पर हम कुछ नाम वगैरह लिख लेते हैं कि जिनका हमने क्यूआर कोड जनरेट करना है। यहाँ पर हमने यूट्यूब लिख लिया, अपना नाम लिख लिया और कुछ डिजिट लिख लिए ताकि इनका हम क्यूआर कोड जो है बना लेते हैं और यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं। और जो फार्मूला हमने पहले बारकोड स्टिकर बनाने के लिए इस्तेमाल किया था वही फार्मूला अब जो है यहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उस फार्मूला किस तरह आपने फिर लगाना है हम दोबारा आपको यहां पर लगाकर दिखा देते हैं कि ये फार्मूला किस तरह लगना है और ये आगे वर्किंग किस तरह करेगी। सबसे पहले आपने इज इक्वल टू लगाना है, उसके बाद सेमी कॉलन की ऑप्शन आनी है और ब्रैकेट शुरू करनी है और सेमी कॉलन को बंद कर देना है। उसके बाद एंड का साइन लगाना है और पहले वाली सिलेक्शन करनी है, फिर दोबारा एंड लगा के सेमी कॉलन को लगाना है और ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन दोबारा बंद कर देना है और इंटर करके। और सेम उसी तरह ही आप इन तीनों चीज़ों को कॉपी नीचे कर देंगे ताकि ये फार्मूला नीचे दो वाली ऑप्शन पर भी जो है वो कॉपी हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम दोबारा से वो फॉन्ट वाले साइज पे आएंगे और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं कि हमारा जो है वो क्यूआर कोड की ऑप्शन वाला फॉन्ट किधर पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्यूआर कोड का आ गया, जैसे ही हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा क्यूआर कोड जो है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। और इसको सेम ही हम नीचे कॉपी कर लेते हैं ताकि इसका मैं दूसरे के अंदर भी ये चीज़ हो जाए। फ्रेंड इसी तरह ही आप भी अपनी किसी भी प्रोडक्ट का जो है क्यूआर कोड या बार कोड लगा लेते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ बाजार से परचेज करते हैं उसके ऊपर क्यूआर कोड लगा होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा DA फॉन्ट नाम की एप्लीकेशन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये सेकंड लास्ट ऑप्शन पे जो है फॉन्ट की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके क्यूआर कोड और बार कोड के बहुत सारे फॉन्ट जो है फ्री में मिल जाते हैं। आपने जस्ट इनको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने कंप्यूटर को एक दो बार रिफ्रेश करना है। तो ये जितने भी फॉन्ट आप डाउनलोड करेंगे बारकोड लेटर ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं उनके, जिस स्टाइल का भी आप बारकोड लगाना चाहते हैं आप उसी तरीके का ही यहां से डाउनलोड करके तो अपने एक्सेल के फॉन्ट के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और ये इसी तरह से लोग जो हैं आपको बारकोड ये लगा के तो हज़ारों और लाखों रुपया आपसे बटोरते हैं। तो ये काम आप खुद कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो ज़रा से भी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल ग्लोबल स्पीक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ साथ हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हों।